हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस पीएसएम के प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस, एएफपी सर्विलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एएफपी सर्विलेंस किसके लिए रिलेटेड है, किसके लिए रिलेटेड है कि ये पोलियो के लिए रिलेटेड है। ओके, पोलियो इरेडिकेशन के सर्विलेंस बोले तो क्या, तो जहाँ पे हम सर्वे करते हैं कि इरेडिकेशन है क्या नहीं भाई, या फिर डिसीज का इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा चल रहा है, तो कितने सारे लोग इम्यूनाइज हुए हैं, या फिर कितने लोगों को प्रिवेलेंस डिसीज का डिसीज अफेक्टेड है, या फिर कैरियर स्टेट में है, तो इन सब का जो भी हम सर्वे करते हैं, तो सर्विंग इटसेल्फ इज कॉल्ड सर्विलेंस। ओके, ये दिमाग में रख लो। तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस क्या रहता है, तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस रहता है एक्यूट फ्लैसिड सर्विलेंस अबाउट द पोलियोमेलाइटिस। तो पोलियोमेलाइटिस कहाँ पे, तो बच्चों के अंदर बिलो 15 ईयर्स ऑफ द एज। ओके, तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सडन ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ द लिम ऑफ लेस देन 4 वीक ड्यूरेशन इन द चाइल्ड बिलो 15 ईयर विद अ डिक्रीज और लॉस ऑफ टोन एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड लिम इज फ्लॉपी और फ्लैसिड विदाउट सेंसरी लॉस। ओके, विदाउट सेंसरी लॉस लोअर लिम के मोटर न्यूरॉन्स में पैरालिसिस हो जाए, लोअर लिम्स जो है पैरालिसिस हो जाते हैं, और विदाउट सेंसरी लॉस वो हम यहाँ पे यूजुअली जो है 15 ईयर्स के बच्चों के अंदर, 15 ईयर्स के बिलो के बच्चों के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। तो मोर मेन मोटिव क्या है सर्विलेंस का, तो मेन मोटिव रहेगा तो आइडेंटिफाई द हाई रिस्क एरियाज। तो हाई रिस्क एरियाज कौन से है ये पता करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, कैसा इम्यूनाइजेशन चल रहा है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस और या फिर डिसीज का प्रोग्रेस क्या है वहाँ पे, तो ये पता करने का सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा सर्विलेंस का। तो तीसरा आएगा टू सर्टिफाई कंट्री पोलियो फ्री, ये कंट्री पोलियो फ्री है क्या नहीं है भाई, तो ये बताने के लिए, ये सर्टिफाई करने के लिए भी ये सर्विलेंस किया जाता है। तो हाई रिस्क एरिया, तो कौन से एरिया को हाई रिस्क एरिया माना जाता है, अगर एक एरिया में अगर एक भी पोलियो केस, एक भी बच्चा अगर पोलियो अफेक्टेड पाया गया या फिर पोलियो का कैरियर पाया गया, तो उस एरिया को इमीडिएटली क्या करते हैं, हाई रिस्क एरिया बोल के डिटरमाइन कर देते हैं, और वहां पे क्या सीधा जाके DIO यानी कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये एरिया पे आपको जो है पोलियो के मरीज मिलेंगे और यहाँ पे पोलियो के पेशेंट अफेक्टेड पेशेंट मिलेंगे, जिन्हें हमें जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो है इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हाई रिस्क एरिया के बारे में बताया जाता है टेक्स्ट बुक में, इट इज वन वेयर अ केस ऑफ द पोलियोमेलाइटिस हैज बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग द लास्ट वन ईयर और लाइकली टू अकर एंड अलाउज सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन टू बी फोकस्ड। It is a one where the surveillance system is poor in an urban area. It is an area with a poor access to the immunization service. It is an area with a specific group is not interested in the vaccination. तो high risk area जो है ये सब point consist करता है जहाँ पे immunization नहीं हुआ है या फिर immunization को reject कर दिया गया है, यहाँ पे at least even one polio case जो यहाँ पे find out किया गया, तो उसको बोलेंगे हम high risk area. तो monitor the progress, तो कैसे monitor करेंगे, the program manager determines whether the strategies are implemented effectively or not. Acute flash paralysis rate in the children below 15 years of the age is an indicator of the sensitivity of the surveillance system. तो यहीं पे ये बोला जाता है, तो acute flash paralysis within the children अगर find किया गया है, okay, below 15 years find किया गया था, it is an absolute indication for the next mass immunization schedule. तो immunization is immediately start करना चाहिए, it is an absolute indicator, okay, for the surveillance system. तो टू सर्टिफाई द कंट्री पोलियो फ्री यहाँ पे क्या बताया जाता है, इट इज डन इफ देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ द न्यू केसेस ऑफ द पोलियोमेलाइटिस फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव इयर्स इन स्पाइट ऑफ द एडिक्वेट सर्विलेंस। तो यहाँ पे बताया जाता है टू सर्टिफाई एनी कंट्री, तो 3 साल के अंदर या फिर 3 साल के भीतर जो है अगर कोई कंट्री के अंदर अगर पोलियो के केस नहीं मिलता है वहां पे, तो वहां पे उसको कंट्री को क्या बोलेंगे, फ्री ऑफ पोलियो डिसीज। तो बट ग्लोबली जब तक एक पोलियो इरेडिकेट नहीं होता तब तक हम कोई भी कंट्री को फ्री ऑफ पोलियो के तौर पे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमाइग्रेशन। ओके, इमाइग्रेशन के जो रहता है, तो लोग एक देश से दूसरे देश को आते जाते रहते हैं, तो वहां पे पोलियो को कंप्लीट इरेडिकेटेड बोल के हम नहीं बोल सकते, तो सर्टिफाइड नहीं कर सकते पर्टिकुलरली इन प्रैक्टिकल नॉलेज पे। ओके, तो टाइप सर्विलेंस कितने टाइप के रहेंगे, एक रहेगा रूटीन टाइप और एक दूसरा रहेगा एक्टिव सर्विलेंस टाइप। तो एक्टिव सर्विलेंस टाइप में क्या आता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि दिस इज डन बाय द डेजिग्नेटेड हेल्थ पर्सन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ हु मेक्स वीकली विजिट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पीडियाट्रिक एंड न्यूरोलॉजी टू इंक्वायर अबाउट द न्यू केस ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस।
ओके तो एक्यूट सर्विलेंस कौन करता है? एक्यूट सर्विलेंस एक सुपरवाइजर एक परफेक्ट डेसिग्नेटेड हेल्थ पर्सन करता है, तो डिपार्टमेंट को विजिट करता है, पीडियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिक डिपार्टमेंट को विजिट करता है और सर्वे करता है कि हाँ भाई यहाँ पे कहीं पे भी एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस के केसेस है क्या नहीं है, तो वीकली विजिट करता है, तो वहाँ पे एक्यूट सर्विलेंस वहाँ पे वो करता है। तो दूसरा रहेगा रूटीन सर्विलेंस। रूटीन सर्विलेंस में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ द इमीडिएट रिपोर्टिंग और नोटिफिकेशन ऑफ अ केस ऑफ एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस इन द चिल्ड्रन बिलो 15 इयर्स ऑफ द एज एवरी मंथ और वीक। व्हेन मोर केसेस इज डिटेक्टेड रिपोर्टिंग यूनिट शुड स्टिल सेंड मंथली और वीकली रिपोर्ट इंडिकेटिंग जीरो केसेस व्हिच इज कॉल्ड जीरो रिपोर्टिंग। जीरो रिपोर्टिंग एंश्योर दैट द सर्विलेंस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। तो रूटीन सर्विलेंस में क्या होता है? तो ये बिलो 15 इयर्स एवरी मंथ जो है रूटीन सर्वे किया जाता है और DIO यानी कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन सेंटर को रिपोर्ट किया जाता है और हेडक्वार्टर्स ऑफ द DIO को रिपोर्टिंग किया जाता है। जीरो केसेस है तो भी रिपोर्ट किया जाता है और जीरो केसेस नहीं है अगर कोई एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस है वहां पे वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द पोलियो और नॉन पोलियो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से भी फ्लैशेस पैरालिसिस हो जाता है, तो वहां पे दोनों टाइप के केसेस को जो है वहां पे रिपोर्टिंग किया जाता है। तो यहीं पे बताया यही थिंग जो है यहां पे बताया जा रहा है। ओके तो कंपोनेंट्स व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द AFP सर्विलेंस एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस के कंपोनेंट्स रहते हैं, तो चार कंपोनेंट रहेंगे। एक रहेगा AFP एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस केस क्लासिफिकेशन, दूसरा रहेगा लाइन लिस्टिंग ऑफ द केसेस, तीसरा रहेगा एनालिसिस ऑफ द डेटा और चौथा रहेगा रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे अभी। तो AFP का क्लासिफिकेशन, ये एक्यूट फ्लैशेस केस क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है? तो वही डिटेक्शन और डिटेक्शन सर्विलेंस जो भी रिपोर्ट कलेक्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है तो AFP केस क्लासिफिकेशन में उसको DIO डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को वहां पे रिपोर्ट या फिर डेटा मंथली वीकली जो डेटा है वहां पे भेजा जाता है। तो एक्टिव केस सर्च इन द कम्युनिटी, हाउस टू हाउस जाके वहां पे सर्विलेंस कंडक्ट किया जाता है कम्युनिटी के अंदर, और अगर एक भी बच्चा जो है वहां पे बिलो 15 इयर्स पाया जाता है कि पॉजिटिव वहां पे आउटब्रेक हुआ बोल के वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके इवन वन केस ऑफ द पोलियो लाइक दिस इवन वन केस गवर्नमेंट इज सो सेंसिटिव टुवर्ड्स द पोलियो, देखिए हमारा गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है पोलियो के तौर पे। तो नॉट ओनली आवर गवर्नमेंट एंटायर WHO इज वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग द पोलियो इरैडिकेशन। ओके अगर एक भी बच्चा वहां पे पोलियो पॉजिटिव मिला तो वहां पे सर्विलेंस बताता है कि वहां पे आउटब्रेक रिस्पांस की जरूरत है, आउटब्रेक रिस्पांस यानी कि मास इम्यूनाइजेशन हमें करने की जरूरत है बोल के DIO डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन सेंटर को जाके बताता है। तो नेक्स्ट रहेगा एडिक्वेट स्टूल सैंपल, अगर कोई भी बच्चा एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस को अफेक्टेड है वहां पे तो उसका स्टूल सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वहां पे लैब डायग्नोसिस कहां किया जाता है? WHO एक्रेडिटेड लैबोरेटरी के अंदर जो है उसका सैंपल का एग्जामिनेशन, स्टूल सैंपल का एग्जामिनेशन किया जाता है, ना कि नॉर्मल लैबोरेटरी के अंदर। ओके ओनली WHO एक्रेडिटेड लैबोरेटरी के अंदर ही यहां पे इसका स्टूल सैंपल, किसका स्टूल सैंपल? फ्लैशेस जो बच्चे के अंदर फ्लैशेस पैरालिसिस एक्यूट फ्लैशेस पैरालिसिस पाया गया है तो उसका स्टूल सैंपल जो है वो जाके WHO एक्रेडिटेड लैबोरेटरी के अंदर उसका सैंपल का फॉर द पोलियो वायरस वहां पे डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये रहा तो आउटब्रेक रेस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन ORI जिसको बोलते हैं। तो फॉलो अप AFP केस इन्वेस्टिगेशन एंड स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन ORI इज ऑर्गेनाइज्ड इन द कम्युनिटी, वही बताया जा रहा है फिर से। तो ORI जो है वो ORI का मतलब है आउटब्रेक रेस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन। ओके आउटब्रेक रेस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन यानी कि अगर एक भी बच्चा वहां पे एरिया के अंदर लोकेलिटी के अंदर पाया जाता है कि हाँ भाई पोलियो पॉजिटिव है वो वहाँ लोकेलिटी में बिलोंग करता है तो इमीडिएटली एंटायर लोकेलिटी के अंदर मास इम्यूनाइजेशन जो है वहां पे किया जाता है। एटलीस्ट 500 नोटिस किया जाता है, एटलीस्ट 500 चिल्ड्रंस जो है बिलो 15 इयर्स जो चिल्ड्रंस है वहां पे वैक्सीनेटेड हो जाए, तो ये जो है इनका इंटेंशन रहता है किसका भाई? तो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के डिपार्टमेंट का। ओके नेक्स्ट डे क्या कहते हैं? नेक्स्ट 60 डे फॉलो अप आफ्टर द मास इम्यूनाइजेशन, वैसे ही नहीं छोड़ा जाता है तो फिर से सर्विलेंस किया जाता है आफ्टर 60 डेज टू सी वेदर इज देयर एनी फ्लैशेस पैरालिसिस केसेस स्टिल एग्जिस्टिंग, क्या जब वहां पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आफ्टर 60 डेज फिर से रिसर्विलेंस किया जाता है। अगर वहां पे अगर कोई केस मिल जाए तो पीडियाट्रिशियन और रहेगा वायरोलॉजिस्ट और रहेगा न्यूरोलॉजिस्ट जो है वहां पे एक्सपर्ट कमिटी को बुलाया जाता है और
जाके वहां पे केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, यहां पे पोलियो की वजह से ही है या फिर नॉन पोलियो, पर अगर पोलियो की वजह से है फिर से ओरल पोलियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस इम्यूनाइजेशन फिर से ओरल पोलियो वैक्सीन उसको दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आएगा लाइन लिस्टिंग ऑफ द केसेस। तो लाइन लिस्टिंग ऑफ द केसेस में क्या आता है, तो यहां पे बताया जाता है कि दिस कंसिडर द रिपोर्टिंग एवरी केस ऑफ द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बाय रजिस्टरिंग द केस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा व्हिच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एड्रेस ऑफ द चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, डेट ऑफ द onset of the paralysis, clinical findings, name of the reporting officer with the contact detail। तो ये सब यहाँ पे बताया जाता है। line of cases, lining of the cases, line listing of the cases में क्या बताया जाता है, जो भी बच्चे का जो flaccid even after the immunization वहाँ पे उसका paralysis हो रहा है, acute flaccid paralysis उसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके बच्चे का नाम, पता, address, immunization का schedule, इसको previous immunization कितने बार हुआ है, ये सब listing करके वहाँ पे क्या देते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो फिर से DIO डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को दिया जाता है। तो एडवांटेज क्या रहेगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ केस, ये स्प्रेड केस स्प्रेड होने से बचाएगा। फर्स्ट थिंग ऐसा करने से क्या होगा, तो पोलियो दूसरे लोकेलिटी को स्प्रेड होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो है फ्रेश केसेस फिर फ्रेश आउटब्रेक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटेमिनेशन मेजर, और जो यहाँ पे भी इम्यूनाइजेशन के अंदर कंटेमिनेशन है या फिर पोलियो वैक्सीन के अंदर ही कंटेमिनेशन है वहाँ पे दिया जा रहा है, तो वो भी पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब हो जाता है। तो acute flaccid paralysis surveillance is an important component of the polio eradication program because polio virus has demonstrated ability to locate and infest pockets of susceptible person even in the countries with the high level of vaccination coverage। ओके, तो जो भी देश में हाई लेवल ऑफ द वैक्सीनेशन कवरेज वहां पे है फिर भी पॉकेट ऑफ जो है छोटे छोटे लोकेलिटीज में वो फिर भी पोलियो के मरीज हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए जो है पोलियो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर हो गया है एंटायर ग्लोबली। WHO इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द पोलियो मलाइटिस एंड वैक्सीनेशन अबाउट द पोलियो। तो अब नेक्स्ट आएगा मॉप अप इम्यूनाइजेशन। तो मॉप अप इम्यूनाइजेशन क्या रहेगा, इसको बोलेंगे रिंग इम्यूनाइजेशन और कंटेनमेंट इम्यूनाइजेशन और आउटब्रेक रेस्पॉन्स, तो सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बताया जाता है कि कंटेन पोलियो आउटब्रेक इन अ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द पोलियो इन अ कम्युनिटी व्हेन द पोलियो ट्रांसमिशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू वेल डिफाइंड एट द फोकल ज्योग्राफिकल एरिया। तो कंटेन पोलियो आउटब्रेक इन अ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, तो यहाँ पे कंप्लीटली कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री बोल के हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवन पॉकेट ऑफ द कोई भी लोकेलिटी में छोटे मोटे गांव में वहाँ पे आपको पोलियो के मरीज मिल ही जाएंगे, तो इसलिए कंप्लीट इरेडिकेशन बोल के हम नहीं बोल सकते। तो मॉप अप इम्यूनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, अगेन द सेम थिंग, एवरी 5 इयर्स के बिलो के बच्चे को हम पोलियो के ओरल वैक्सीन हम दे ही देते हैं। ओके, इवन आफ्टर दे आर बीन गिवन वैक्सीनेशन इन एट द बर्थ इटसेल्फ, तो बर्थ के टाइम पे पोलियो का वैक्सीन हम देते हैं नहीं बोल के नहीं, तो फिर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एट द बर्थ मॉप अप वैक्सीनेशन का मतलब है मास वैक्सीनेशन ज्यूरिसडिक्शन में हर 5 साल के भीतर के बच्चे को हाउस टू हाउस जाके या फिर स्कूल टू स्कूल जाके या फिर कहीं पे भी लोकैलिटी में कम्युनिटी लोकैलिटी में सर्विलेंस करके 5 साल के भीतर के बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन हम दे ही देते, तो इसको बोलेंगे मॉप अप वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या बोलते हैं, द कंफर्मेशन ऑफ द पोलियो केस इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द PHC द मेडिकल ऑफिसर शुड इमीडिएटली टेक अप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द OPV ओरल पोलियो वैक्सीन टू ऑल द चिल्ड्रन अंडर 5 years लिविंग विद इन 5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द इन्फेक्टेड हाउस और अबाउट 2,000 to 3,000 चिल्ड्रन इन द अर्बन एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। This should be done within 48 hours of reporting of the acute flaccid paralysis and completed within a week. Second dose should be given after the 1 month. So, यहाँ पे ये बोला जाता है। तो दूसरा last significance हम आते हैं इसके बारे में। तो इन दिस एरा ऑफ द जेट ट्रैवल, तो जेट ट्रैवल वही मैं जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता चुका हूँ, तो जेट ट्रैवलिंग की वजह से नो कंट्री कैन क्लेम कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ अ डिजीज अनलेस इट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द ग्लोब, हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल नेशन टू कंटेन द डिजीज इन देयर ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑल्सो स्टेप up effort to eradicate it so that it ceases to exist as an international problem. तो यहाँ पे यही बताया जाता है because of the flying, because of the immigration, okay, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ट्रैवल कर रहे लोग, तो इसी की वजह से पोलियो को कम्प्लीटली इरेडिकेटेड बोल के हम नहीं बता सकते। तो कोई भी कैरियर रह सकता है, कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल रह सकता है, ओके, जिससे हम डायग्नोसिस या फिर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, कई बार कई नेशन में फैसिलिटी सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी नहीं रहता है, तो इसलिए कम्प्लीटली इरेडिकेट बोल के क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए फिर भी इरेडिकेशन रहे तो भी फिर भी हम मास ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन पोलियो इम्यूनाइजेशन को कैरी आउट करते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा लेक्चर क्लास रियली अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस को बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन बिलो एंड इवन लाइकिंग द थम्स अप बटन। तो टिल देन टेक केयर, बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
बाय।